हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और स्वागत है आपका अपने चैनल अपर सफर में। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार और वो जा रहे हैं हम शिव जी को खुश करने के लिए। डाक कावड़ लेके आएंगे और आएंगे दुर्गा मंदिर सेक्टर 7 में, यहाँ पर जल चढ़ाया जाएगा। भाई ब्लॉग बन रहा है तो चुपचाप तो नहीं हो रहा, बीच में कैसे बोल रहा है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ डाक कावड़ लेने आनी है भाई, तो जोश बना रहना चाहिए, जोश सबका जोश बन रहा है। तो अभी मंदिर के दर्शन करेंगे और दर्शन करके पूजा करके फिर हमारा वहाँ पर खड़ा है टेम्पू टाटा 407, उसमें लोग बैठे हुए हैं। तो भाई इसके बाद हम टेम्पू में बैठेंगे और वहाँ पर डीजल वगैरह बाइकों में पेट्रोल वगैरह डलवा के फिर निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। 24 घंटे दौड़ते रहिए लड़के हमारे। और ये ड्रेस कोड देख रहे हो भाई का, एकदम ओलंपिक में आ रहा भाई, पूरा एथलीट हो रहा, पूरा एथलीट। चलो तो हमारी गैंग में 15 बंदे हैं, दो टीम बनेंगी, 3 बाइक या 4 बाइक इकट्ठी चलेंगी, उसके हिसाब से रेगुलर चलता रहेगा प्रोग्राम। और अभी फिलहाल भीड़ यहाँ पर चालू हो गई है और ये डीजे चालू हो गया है, कॉपीराइट आ जाएगा तो थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगा मैं आपको। ये जनरेटर लगा रखा हमने और ये रहा हमारा 4th डाक कावड़। तो यहाँ पे 8-8 लीटर पेट्रोल डलवाया जाएगा ताकि ये टैंक फुल ना हो, टैंक फुल हो जाएगा तो हमारे ट्रक में से छलकेगा, क्योंकि बाइक खड़ी रहेगी तो छलकता है। फिर कितने लीटर? 6000 का तेल डल चुका है, 6000 का डीजल है भाई, डीजल है भाई, डीजल डीजल है, 6000 का डीजल है। देख रहे हो कितनी पब्लिक चल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, कुछ नहीं पता लग रहा, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। करोड़ों आदमी आ चुका है, जा चुका है, कोई गिनती नहीं है कितने हैं। और फुल हवाबाजी जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ होती है पूरी हवाबाजी। कोई हेलमेट नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने रंग में रंग लेके चलते रहते हैं लोग, एक बाइक पर 3-3 घंटे। सारे ट्रक ही ट्रक ड्राइवर हो गया है और दो जो है आगे पीछे उतरते रहते हैं जल को लेने के लिए। ऐसी 3-4 बाइकें चलती है एक ग्रुप में, अंदर होलो रहे ट्रक बिल्कुल चुपक के मिलेंगे आपको, बिल्कुल चुपक के चलेंगे एकदम, शोर बहुत हो रहा है, बिल्कुल सुनाई थोड़ा कम सुनाई दे रहे मेरी बातें तो उसके लिए सॉरी है, तो साउंड चारों तरफ बहुत ज़्यादा है, सॉरी शोर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए और यहाँ के रंग के मजे लीजिए। जब भी कभी मौका मिले अगली साल या इस साल भी आ सकते हो, अभी 2 दिन बाकी है, आइए देखिए नज़ारे लीजिए, जल चढ़ाने को मिलेगा, गंगा जी का जल लेके जाइए अपने घर पे। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में हम सभी लोग खुद रनिंग करेंगे, जल लेंगे शाम को या कल, आज शाम को चढ़ाएंगे ना, आज शाम को उठाएंगे, आज शाम को जल उठाएंगे, उसका ब्लॉग आपको कल मिलेगा। तो वो दिखाऊंगा ब्लॉग प्रॉपर तरीके से हम किस तरीके से काम करेंगे, 3 बाइक हैं हमारे पास, पूरा सेटअप नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा किस तरीके से करते हैं डाक कावड़। एक हमारे साथ मास भी आई तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ जी।